नमस्कार, महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज प्रस्तुत है वितान भाग दो पुस्तक से लेखक श्री ओम थानवी के पाठ अतीत में दबे पांव के बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। तो लीजिए पेश है ये MCQ। पहला प्रश्न है, मुवन जोदड़ों का शाब्दिक अर्थ है क मुर्दों का टीला, ख मनमोहक, ग मुर्दों का घर और घ देवनगरी। सही उत्तर है क मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न, मुवन जोदड़ो किस काल का शहर है क लोह काल, ख मध्यकाल, ग ताम्रकाल और घ आदिकाल। और इसका सही जवाब है ग ताम्रकाल। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के शिलालेखों में किस शब्द का संभावित प्रयोग मोहनजोदड़ो के लिए मिलता है। चार विकल्प हैं, क वरुण, ख मेलुहा, ग मारुत और घ इंडस। और सही जवाब है ख मेलुहा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे। चार विकल्प, क राखालदास बनर्जी, ख जॉन मार्शल, ग शास्त्री काशीनाथ दीक्षित और घ हरेल्ड हरग्रीव्स। और इसका सही जवाब है ख जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, 1924 से 1925 में राखालदास बनर्जी के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई। और इसके चार विकल्प, क हरेल्ड हरग्रीव्स, ख शास्त्री काशीनाथ दीक्षित, ग मार्टिमर व्हीलर और घ माधव स्वरूप वत्स। और इसका सही जवाब है क हरेल्ड हरग्रीव्स। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अद्वितीय सौंदर्य बोध का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। इसके चार विकल्प, क धनाढ्य वर्ग, ख तत्कालीन समाज को, ग राजसत्ता को और चौथा विकल्प है घ धर्माचार्यों को। और इसका सही जवाब है ख तत्कालीन समाज को। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली पंजीकृत वस्तुएं कितनी हैं। इसके चार विकल्प हैं, क 10,000 से ज्यादा, ख 4,000 से ज्यादा, ग 20,000 से ज्यादा और घ 50,000 से ज्यादा। और इसका सही जवाब है घ 50,000 से ज्यादा। अगला प्रश्न, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहते हैं। चार विकल्प, क पवित्र कुंड, ख विशाल कोठार, ग बौद्ध स्तूप और उसके परिदृश्य और घ ज्ञानशाला। इसका सही जवाब है ग बौद्ध स्तूप और उसके परिदृश्य। अगला सवाल, सिंधु घाटी की छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा गया है। इसके चार विकल्प, क गढ़, ख नीचा नगर, ग ऊंचा नगर और घ कामगार टोला। और इसका सही उत्तर है ख नीचा नगर। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में किसके अवशेष अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचे रह सके हैं। चार विकल्प, क महाकुंड, ख स्तूप, ग ज्ञानशाला और घ कुएं। और इसका सही जवाब है क महाकुंड। अगला सवाल, लेखक क्या देखकर मोहनजोदड़ो राजस्थान में समानता देखते हैं। क खुला आकाश, ख धूल व बबूल, ग ज्यादा ठंड व गर्मी और घ
उपयुक्त सभी, और सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, यहां प्राप्त महाकुंड की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई क्या है? चार विकल्प, क 40 गुणा 25 गुणा 7 फीट, ख 30 गुणा 25 गुणा 5 फीट, ग 40 गुणा 30 गुणा 7 फीट, घ 25 गुणा 30 गुणा 5 फीट। और इसका सही जवाब है 40 गुणा 25 गुणा 7 फीट। अगला प्रश्न, इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार वहां के लोग कौन सी फसल लेते थे? तो इसके चार विकल्प हैं, क रबी, ख खरीफ, ग जायद और घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है क रबी। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को राजस्थान के जैसलमेर के किस गांव की याद हो आई? इसके चार विकल्प, क पोकरण, ख सम, ग कुलधरा और घ नाचना। और इसका सही जवाब है ग कुलधरा। अगला सवाल, समूची सिंधु सभ्यता में कहीं भी इनमें से क्या नहीं मिले हैं? इसके चार विकल्प, क औजार, ख खिलौने, ग हथियार और घ मूर्तियां। और इसका सही जवाब है ग हथियार। अगला सवाल, पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने खुदाई में प्राप्त किस वस्तु के बारे में कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी? इसके चार विकल्प, क नर्तकी की मूर्ति, ख नरेश की मूर्ति, ग बैलगाड़ी और घ कपड़े के अवशेष। और सही जवाब है क नर्तकी की मूर्ति। अगला सवाल, सिंध की खास पहचान माने जाने वाले छापे वाले कपड़े को क्या कहते हैं? तो इसके चार विकल्प, क पश्मीना, ख अजरक, ग खद्दर और अंतिम घ मलमल। तो इसका सही जवाब है ख अजरक। अगला सवाल, दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के दुशाले की क्या विशेषता है? इसके चार विकल्प, क आकर्षक रंग, ख आकर्षक बुनाई, ग आकर्षक गुलकारी और घ इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ग आकर्षक गुलकारी। अगला प्रश्न, कुएं को छोड़कर सभी किस आकार में हैं? चार विकल्प, क आयताकार, ख वर्गाकार, ग गोलाकार और घ शंकु आकार। और इसका सही जवाब है क आयताकार। अगला सवाल, स्तूप से महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते का क्या नाम रखा गया है? चार विकल्प, क धर्म मार्ग, ख देव मार्ग, ग अध्यात्म मार्ग और घ मुक्ति मार्ग। और इसका सही जवाब है ख देव मार्ग। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला विकल्प है क सिंधु सभ्यता में साधन संपन्नता एवं भव्यता का आडंबर था, ख वह सभ्यता राजपोषित न होकर समाज पोषित थी, ग वह एक जल संस्कृति सभ्यता थी और घ वह ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। और इसका सही विकल्प है, सही उत्तर क सिंधु सभ्यता में साधन संपन्नता एवं भव्यता का आडंबर था। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? चार विकल्प, क
वहां के सभी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ख, सभी घरों के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था थी। ग, घर कच्ची ईंटों से बने थे। और घ, घर में घुसने के लिए मुख्य सड़क से गलियों में नहीं जाना पड़ता। और इसका सही जवाब है ख, सभी घरों के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था थी। अगला सवाल, हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक जल संस्कृति सभ्यता थी क्योंकि क, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। ख, उस सभ्यता में लगभग 700 कुएं मिले हैं। ग, घरों के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनी थी। और चौथा विकल्प घ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, 100 वर्षों से अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई की गई है? तो इसके चार विकल्प हैं, क, आधे, ख, एक चौथाई, ग, दो चौथाई और घ, एक तिहाई। और इसका सही जवाब है घ, एक तिहाई। और अंतिम सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के संरक्षण के लिए क्या चुनौती है? तो इसके चार विकल्प, क, मौसम, ख, पर्यटन, ग, सरकारी उपेक्षा और घ, क्षार व दलदल की समस्या। तो इसका सही जवाब है घ, क्षार व दलदल की समस्या। तो ये थी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।